जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मोदी जी, कल आपने तमाम न्यूज चैनल्स के संपादकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें आप उन सब से रूबरू हुए थे और वीडियो चैनल्स के जरिए आपने संपादकों को एक संदेश दिया था कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग के जो सबक है उसका निर्वहन करें, यानी कि कोरोना वायरस के इस दौर में हम एक दूसरे से दूर रहें, कम से कम एक एक मीटर की दूरी पर रहें। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश क्या कर रही थी। इन तस्वीरों में देखिए, शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, जो अच्छी बात है, और वो चाहते तो एक बहुत ही सादे से एक निजी समारोह में यह किया जा सकता था, मगर इन तस्वीरों से जाहिर है दोस्तों कि यहां पर खचाखच भीड़ भरी हुई है, मानो एक जश्न मनाया जा रहा है। मैं तो पहली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को हथियाया है उसे ही लोकतांत्रिक नहीं मानता, मगर यह मुद्दा उससे भी ऊपर है। जब यह पूरी दुनिया, पूरा देश जो है कोरोना वायरस के इस कैंसर से लड़ रहा है, तो यहां पर देखिए किस खुलेआम खुले तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो है वो नियमों की बखिया उधेड़ रही, और कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान खुद। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये नियम सिर्फ आम इंसान के लिए हैं? क्या ये नियम कानून उन लोगों के लिए भी नहीं होने चाहिए जो इस देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं? बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर यह गजेट है, ये गजेट जो है वो जारी किया गया है 20 मार्च 2020, यानी कि अब से कुछ ही दिनों पहले। क्या आप जानते हैं गजेट क्या कहता है? ये गजेट ये कहता है कि राष्ट्रपति भवन के सौंदर्यकरण के लिए, लुटियंस दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्चने वाली है। प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं इनकी, प्रायोरिटीज आप इनकी देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब हमारे डॉक्टर्स एक जंग लड़ रहे हैं, उनके पास बुनियादी सामान नहीं है, जिसका जिक्र मैं अभी करने वाला हूं, आपने लुटियंस दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर क्यों, कहां है इस सरकार की प्राथमिकताएं? क्या इस देश की जनता को यह जानने का हक नहीं है, या देश की जनता सिर्फ थाली पीट कर, धमा चौकड़ी मचाकर, कोरोना वायरस को लेकर जो नियम दिए गए हैं उसकी अनदेखी कर खुश है? बात यहां नहीं रुकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस खबर के मुताबिक एक सूचना जारी की थी, और वो सूचना क्या थी कि तमाम देश जो मेडिकल इक्विपमेंट है ना, किस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट, ग्लव्स, N95 मास्क और जो बाकी जरूरी सामान है, रेस्पिरेटर्स, इनका निर्यात ना करें, उन्हें बचा के रखें। मगर क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने उस पर अमल किया करीब 3 हफ्ते बाद 19 मार्च को। कब 19 मार्च? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को देश को संबोधन दिया था कि ताली और थाली बजाएं, किसके लिए? हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए। और आज की तारीख में वही डॉक्टर्स, वही नर्सेस जो हैं वो जूझ रहे हैं सामान की कमी से। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ये नर्स किस तरह से पर्दाफाश कर रही है व्यवस्था का, इसकी आवाज सुनिए। अपने आप में आपराधिक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। ये नर्स गुहार लगा रही है, उसके पास कोई सामान नहीं है। अभी अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे यहाँ भी वही स्थिति है कि नर्सेज के लिए कोई सुविधा नहीं है, इवन N95 मास्क तक नहीं है, प्लेन मास्क एक मिलता है और ग्लव्स है, उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। मेरा सबसे ये कहना है कि ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, सामान नहीं है नर्सेज के पास, और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं, सस्पेक्टेड, उनको हैंडल कीजिए।
अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने एक एक करके तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो गुहार लगा रहे हैं। पहले ये डॉक्टर, रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्लीज पास एन ऑर्डर टू ऑल हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, मास्क, ग्लव्स टू एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ, आर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ एंड क्लीनर्स टू आर हेल्पलेस हैंडलिंग पेशेंट्स विदाउट प्रॉपर गियर्स। डॉक्टर दुष्यंत सिसोदिया, नो N95 मास्क फॉर डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स इन एमरजेंसी उन गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। यह अपील उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह से की है। अब ये देखिए लखनऊ अस्पताल का कि ये बहुत ही खौफनाक रिपोर्ट। जूनियर डॉक्टर हु ट्रीटेड COVID-19 पेशेंट्स एट लखनऊ हॉस्पिटल टेस्ट्स पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि एक जूनियर डॉक्टर जो कोरोना वायरस का इलाज कर रहा था, अब वो खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मगर आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग तो ताली और ढोल धमाका करके ही खुश हैं। दोस्तों, आप जानते हो मैं राहुल गांधी का एक आलोचक रहा हूं, और उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं। वाइस प्रेसिडेंट है वो एक अलग बात है, मगर मुझे हमेशा लगता है कि वो एक गैर संजीदा राजनेता है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। मगर इस शख्स ने 12 फरवरी को अपने इस संदेश के जरिए यह चेतावनी दी थी कोरोना वायरस को लेकर। वो कह रहे थे एक बहुत बड़ी आंधी आने वाली है और इसका सीधा असर हमारी इकॉनमी पे पड़ेगा। तब हर इंसान ने इसका मजाक उड़ाया था, न्यूज चैनल्स ने मजाक उड़ाया था। आज एक बार फिर राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि किस तरह से हमने ग्लव्स, सर्जिकल मास्क और तमाम जरूरी जो पीपीई है उसे हमने निर्यात कर दिया, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी तरफ से सीधा दिशा निर्देश दिया था, बावजूद इसके हमने इसका निर्यात किया। यह सवाल इस शख्स ने उठाया था। मैं जानता हूं कि विपक्ष को जो सक्रिय किरदार निभाना चाहिए वो नहीं निभा रही है, मगर ये वक्त विपक्ष से सवाल करने का नहीं है। ये वक्त है कि हम अपनी सरकार से सवाल करें कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। और जनता जो कर रही है दोस्तों, वो अपने आप में इतनी शर्मिंदगी वाली है, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। नहीं, वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि इटली में कितने डॉक्टर्स की मौत हो गई है जो लोग कोरोना वायरस का इलाज कर रहे थे? 23 डॉक्टर्स। आज की तारीख में इस कार्टून को देखिए, डॉक्टर्स के कंधे पर पूरे दुनिया के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। आज की तारीख में डॉक्टर्स हमारे नए सैनिक हैं। मगर मुझे दुख, जानते हैं क्या होता है, जिस तरह से पुलवामा में हमारे शहीद क्यों मारे गए और उसके बाद भी सैनिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी जो जरूरतों के लिए सरकार ने कभी कुछ कदम नहीं उठाया, उसी तरह की लड़ाई ये डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल लड़ाई है जिससे वो लड़ रहे हैं। अब ये खत देखिए, देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास जरूरी चीजों की कमी है। कोई जवाब है सरकार के पास? सुनिए क्या कह रहे हैं ये डॉक्टर्स। क्या आप जानते हैं जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं अलग अलग जगहों पर, उन लोगों ने कई जगहों पर जो
विमानों में काम करने वाले हैं, एयर इंडिया में, इंडिगो में, तमाम फ्लाइट्स में काम करने वाले हैं। कई ऐसी मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं जहां उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है, जहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आप सुनिए, ये महिला स्टाफ है इंडिगो की, इसकी आंखों में आंसू हैं, वो अपनी कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप खुद सुनिए। बीइंग इन सर्विस इंडस्ट्री वी पीपल आर फेसिंग अ लॉट लाइक एनीथिंग। आई एम लिविंग इन अ सच अ प्लेस व्हिच इज अ प्लेस फुल ऑफ हिपोक्रेट्स, इंक्लूडिंग यू नो द लोकल पुलिस आल्सो। व्हेयरएज माय जॉब रिक्वायर्स सेज दैट आई हैव टू बी देयर ऑन माय ड्यूटी एंड बीइंग a part of a reputed company, my company is taking complete precautions which is required to me to be safe from COVID-19. In spite of that, people are spreading rumors in my locality that I'm suffering with corona. Secondly, when I'm not at home, me and my mother stays together, that's it. So me, when I'm not at home, they are coming and harassing my mother like anything. She cannot go to the market to buy groceries because people are refusing her, saying that your daughter has a corona and you might also have it, and you are spreading it to the other people as well. So my honest request over here, because I could feel we all are facing the same thing, my rest of the crew members also facing the same problem, being in a part of the service industry, whereas we are being harassed for doing our duties. ये doctors, ये nurses, airlines operate करने वाले लोग, पत्रकार, ये तमाम लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बात को रख रहे हैं, हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम उनका काम और मुश्किल कर रहे हैं। ये वक्त है कि देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को साफ करने का काम किया था। मैं जानता हूं आप क्या तर्क देंगे, आप ये तर्क देंगे कि वहां गिनी चुनी महिलाएं ही बैठी थी। नहीं साहब, जब एक देश के सामने एक संकट होता है तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना होता है। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो फिर आप शाहीन बाग में जाके बैठ जाइएगा। हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि शाहीन बाग का अब रास्ता रोकने का कोई तात्पर्य नहीं है। अब देखिए, जैसे दिल्ली पुलिस वो करती है इस तरह से, इन तस्वीरों में देखिए, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है? हमारे अपने लिए तो लड़ी जा रही है ना। मुरादाबाद का ये वीडियो देखिए, यहां पर CAA का विरोध करने वाले लोग अब भी सड़कों पर हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम समझदारी का परिचय किसे दे रहे हैं। मैं हौसला अफजाई करना चाहूंगा पटना में जो उलेमा है, जिन्होंने अपनी तरफ से यह संदेश दिया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बिहार समेत देश में कोरोना वायरस से लोगों को हो रही मौत व बढ़ते पॉजिटिव रिपोर्ट्स के देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, पुलवारी शरीफ शरिया काउंसिल, जमायत इस्लामी हिंद और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक साथ अपील की है कि मुसलमान भाई हालात को देखते हुए घरों में ही नमाज पढ़ें, जुमा की नमाज कम तादाद में पढ़ने जाएं, बाकी लोग घर में ही जुमा की वाजिब नमाज के बदले जौहर की नमाज की तरह अदा कर दें। आप इनकी बात तो सुनिए ना। अब तो जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं उस पर बंदिशें हैं। ये वक्त आंदोलन का नहीं है, वक्त आएगा तब आप मैदान में खड़े होकर आंदोलन कीजिएगा। आप सुनते क्यों नहीं है? सुनते क्यों नहीं है उन लोगों की जो आपके हित की बात कर रहे हैं? आपको दिल्ली पुलिस पर एतबार ना हो, ना हो मोदी सरकार पर एतबार ना हो, ना हो, मगर डॉक्टर्स, वो पत्रकार जो आपके साथ हमेशा थे, उनकी बात तो आप सुन सकते हैं या उनकी बात भी नहीं सुनेंगे आप? मगर दुख की बात क्या है दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ये बात कहने जा रहा हूं। ये शख्स अमिताभ बच्चन, मेरे बचपन का हीरो, ये शख्स मेरे लिए किसी खुदा से कम नहीं था, अब भी है शायद, मगर इन्होंने अपनी तरफ से जो वाहियात जानकारी दी है, जो वाहियात अंधविश्वास का प्रसार किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया, और इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि किस तरह से 22 को अमावस की रात थी
और ताली बजाने से कोरोना भाग गया, वो तमाम जो वाहियात बकवास जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो लगातार वायरल कर रहा है कुछ दिनों से, जब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 18 मार्च को कि हम 22 को जो है वो ताली और थाली बजाएं और एक दिन का हम जनता कर्फ्यू करें। मेरे पास वाकई शब्द नहीं है कि इस तरह से अमिताभ बच्चन जैसे सहस्राब्दी के नायक, शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेता, इस तरह से झूठ का प्रसार करेंगे। और जब ये ताली भी बजा रहे थे अपने छत से तो इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम जीत गए हैं। ये जीत नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है, ये हमारी ये चमत्कार ही होगा, ये हमारी किस्मत ही होगी कि ये लड़ाई लड़ने से पहले ही खत्म हो जाए। मगर जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जिनका असर लोगों की जहन पर होता है, वो इस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं तो दुख होता है। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि फिल्म अमिताभ शाहरुख खान ने क्या किया। शाहरुख खान ने अपने फिल्म का क्लिप का इस्तेमाल करते हुए हमें संदेश दिया है। मैं चाहूंगा आप भी सुने कि शाहरुख खान किस तरह से हमें कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। कॉफिंग एंड फीवर, बुखार और खांसी, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लबेरिया हुआ। नो, नॉट दैट काइंड ऑफ फीवर, नॉट द लबेरिया काइंड, नॉट दैट सर्दी जुकाम, एक्चुअल फीवर। फटीग, थकान, सोर थ्रोट, गले में तकलीफ, बस बहुत हो गया। अगर आपके ये सिम्टम्स हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको अनईजी फील हो रहा है और ये सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो प्लीज सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सबसे पहली बात, अवॉइड लार्ज ग्रुप्स एंड सेल्फ क्वारंटीन एट होम इफ पॉसिबल। दूसरों को अपने आप को छूने ना दें, खुद भी दूसरों को मत छूएं, और सबसे पहले अपने चेहरे को अपने हाथों से भी छूना छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी खूबसूरत। और अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है काम के लिए, तो इधर उधर की चीजों को ज्यादा मत छूएं। एंड ऑल्सो ट्राई एंड डिसइंफेक्ट एवरीथिंग सराउंडिंग, जो जो चीजें आपके आसपास हैं उनको थोड़ा डिसइंफेक्ट कर सके तो प्लीज कीजिए रेगुलर। ओके, नॉट दैट काइंड ऑफ डिसइंफेक्ट, ये थोड़ा फिल्मी है, बट वॉट एवर इज अवेलेबल विद पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट दिस। और मेन बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो अवॉइड ही कीजिए। सो मेंटेन अ थरो हाइजीन रूटीन, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, टेक अ बाथ रेगुलरली, क्लीन योर सेल्फ थरोली एंड रिमेन सैनिटाइज्ड, बट प्लीज डू सेव वाटर ऑल्सो। अगर छींक आए या खांसी आए तो अपनी कोनी में कीजिए, एंड मेक श्योर कोई भी आपके मुंह पर न स्नीज करे ना कॉफ करे, और अगर करे तो आपको तो मालूम है क्या करना चाहिए। यू वेयर अ मास्क ओनली इफ यू आर अफेक्टेड और शोइंग सिम्टम्स, और इफ यू आर अ केयर टेकर ऑफ समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम द वायरस। Obviously mask ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, अपनी फार्मेसी से जरूर पूछ लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बी सेफ एंड बी हेल्दी, एंड आई प्रे फॉर योर लव्ड वंस, योर फैमिलीज एंड यू, एंड प्लीज डू द सेम फॉर मी एंड माय फैमिली, एंड प्लीज रिलाय ऑन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और योर लोकल अथॉरिटी। और मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ महान लोग इसे भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि जो शख्स आपको संदेश दे रहा है, अगर वो उससे आपका भला होता है तो आप उसकी बात मानेंगे, या जो शख्स आपको दफन कर रहा है आप उसकी बात मानेंगे, बताइए। और ये सदगुरु हैं,
इनसे जब पूछा गया कोरोना वायरस के बारे में तो क्या जवाब देते हैं ये आध्यात्मिक गुरु, सुनिए खुद। फॉर द वायरस यू आर द हैबिटेट, यू आर देयर होम, दे लाइक टू लिव हियर एंड ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू मूव टू अदर होम्स, एक्सपेंड देयर टेरिटरी, बट दे डोंट वांट यू टू डाई, बिकॉज इफ यू डाई वन बॉडी इज गॉन। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, एक ऐसे दौर पर न्यूज चैनल्स सदगुरु को, रामदेव को आमंत्रित करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या वजह है? क्या इस तरह के आध्यात्मिक गुरु किसी भी सूरत में किसी तरह का कोई योगदान दे सकते हैं कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ? अगर आप लोगों में एका बनाने के लिए, लोगों में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने का कोई संदेश दे रहे हैं तो बात समझ आती है, मगर आप डॉक्टर्स मत बनिए ना साहब, डॉक्टर्स मत बनिए, आप खुद का मजाक मत बनाइए और आप इस पूरी बीमारी का मजाक मत बनाइए। बोल के लब आजाद है तेरे में, आज जो मैंने आपको संदेश दिया उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, चाहे सरकार हो, आम जनता हो, और किस तरह से जो इस कठिन लड़ाई को लड़ रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एयरलाइन स्टाफ हो, हम उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही होंगी, मगर मैं यहां आपको चाशनी भरिया घोल खिलाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपने परिवार के प्रति चिंतित हूं, और अगर आप और हम सब अपने परिवार के प्रति चिंतित रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, मगर हम अगर अपनी हरकतों से बाकी लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता दोस्त। मेरा मकसद तो सिर्फ आप तक ये संदेश पहुंचाना था। आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो लगती रहे, मैं आपको खुश करने के लिए तो बैठा नहीं हूं, बहुत आसान है। और आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी दबाएं, मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा, यह आपकी इच्छा है। नमस्कार।